ये आता है यूनिवर्सल लग्जरी आर्मरेस्ट। तो भैया ये हर गाड़ी के लिए अवेलेबल है? हाँ जी, सभी गाड़ियों के लिए अवेलेबल है सर। चलिए तो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है, आपके पास कोई सी भी गाड़ी है तो उसमें ये चीज़ लग जाएगी आर्मरेस्ट। अभी हम आर्टिका में लगा रहे हैं हम जी, इसमें आर्टिका में प्रॉपर फिटिंग करेंगे, जिससे आप स्लाइडिंग भी कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं, और कंफर्टेबल है हाथ के लिए भी, क्या आरामदायक रहे जी, और पीछे कप होल्डर रहेगा कि कुछ बॉटल वगैरह रखने तो रख सकते हैं उसमें जी। जी बिल्कुल। हेलो दोस्तों, दिस इज मी अमन शर्मा बैक अगेन विद अ न्यू फ्रेश वीडियो ऑफ टेक्निकल भोपाल यूट्यूब चैनल, एंड टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट मारुति सुजुकी अर्टिगा आर्मरेस्ट। तो आज मैं आपको यूनिवर्सल आर्मरेस्ट की फिटिंग दिखाने वाला हूं, एंड इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो करते हैं जल्दी से स्टार्ट, एंड लेट्स गेट इन टू द वीडियो। यहाँ पर सबसे पहले आप अर्टिगा का पूरा इंटीरियर देख लो। स्टीरियो सिस्टम की भाई बहुत ही जल्दी मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ आप सभी के लिए। सबसे पहले आर्मरेस्ट की बात करेंगे, जो कि आपको कार मुस्कान पे देखने को मिलता है। तो ये बोर्ड है, आप बिल्कुल आ सकते हो यार। एंड यहाँ पर देखो आप, सबसे बढ़िया बेनिफिट आपको इसमें क्या मिलता है, ये देखो ये पूरा स्क्रू से टाइट हो गया है, तो हिलेगा डुलेगा बिल्कुल भी नहीं। एंड इसकी जो फिटिंग है भाई वो बहुत ही अच्छी है। फाइबर में आपको क्या फ़ायदा मिलता है देखो, वुडन वाले क्या होते हैं बिल्कुल फिट तो हो जाते हैं, देखो फिट होने में कोई भी सारी चीज़ें फिट हो जाएंगी, बट वुडन वाले में इतने सारे आपको ऑप्शन नहीं मिलते हैं जो इस चीज़ में आपको मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ तो भाई इसको आप आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है, ये पूरा फिट हो गया है। पहला फंक्शन देखो इसमें, ये चीज़ है, ठीक है, कितना आगे बढ़ गया है देखना ये चीज़ को, है ना। अब जैसे मैंने हाथ पे भाई मैं ऐसे करके बैठा हूँ, ठीक है ना, मेरा हाथ इतना जा रहा है, ये देखो आप पूरा मैं कोने तक हूँ। अब मैं इसको क्या करूँगा भाई, देखो बढ़ाऊँगा, कितना बढ़ेगा ये आगे हो गया है अपना, ठीक है ना। ये देखो अब मैंने यहाँ पर हाथ रखा और मेरा हाथ कहाँ तक जा रहा है, तो मतलब मैं इस गाड़ी के इधर तक मैं हाथ रख के आराम से इस गाड़ी को ड्राइव कर सकता हूँ, तो ये चीज़ है। एंड स्टीयरिंग व्हील को मैं आराम से पकड़ सकता हूँ, तो इसमें ये चीज़ फ़ायदा हो जाती है, जिनके छोटे हाथ रहते हैं वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। लेंथ को आप इसको थोड़ा सा आगे कर सकते हो, ये चीज़ है। इसके साथ इसमें आपको थोड़ा सा यूटिलिटी स्पेस भी मिल जाता है, तो यहाँ आप देखो। एंड इसमें आपको लाइटिंग भी देखने को मिल जाएगी, जो कि वाइट कलर में जलती हैं, तो आप रात वगैरह में नाइट में ड्राइव कर रहे हो तो इस चीज़ की अगर रोशनी नहीं पहुँच पा रही है भाइयों, तो इधर तक आपको रोशनी ये चीज़ दे देगी वाइट कलर की, तो ये बहुत ही अच्छा है। एंड इसमें यहाँ पर सेंसर भी लगा है, बंद हो जाती है लाइट, तो ये चीज़ है। एंड ये आपका पूरा लुक है, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह आप इजीली इसमें कैरी कर सकते हो, आपके विजिटिंग कार्ड्स वगैरह हो गए इजीली रख सकते हो। इसके साथ यहाँ पर पीछे में आपको ये आपका कप होल्डर मिल जाता है, इसमें चार्ज भी कर सकते हो आप, जी हाँ इसमें आप चार्ज भी कर सकते हो, क्रोम एलिमेंट के साथ आता है। एंड राहुल भैया ने ये कुछ नई चीज़ मंगवाई है, तो मैंने कि उस चीज़ को अपने को आप सभी तक पहुँचाना चाहिए। इसमें आप चार्ज भी कर सकते हो, तो ये देखो यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पर आपको दो चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं, तो यहाँ पर जो आपको दो पोर्ट्स मिलते हैं, तो इससे जो भी बैक में पैसेंजर्स बैठे होते हैं, इतने भी लोग हैं मतलब पीछे ही बैठते हैं बच्चे वगैरह, अब वो मोबाइल वगैरह चलाते हैं, तो वो आगे तक तो इतनी बड़ी कोई वायरिंग वगैरह आती नहीं है, तो यहाँ से अपना जो केबल है टाइप सी हो गई है, तो वो उसको आपने लगाया USB को, यहाँ से मोबाइल को चार्ज किया आपने, तो ये चीज़ इसके अंदर बेनिफिशियल चीज़ रहती है। एंड इसको आप साइड बाय साइड सरका भी सकते हो, मीन्स ये है ये भी को पैसेंजर के लिए है, इसी के साथ आप इसको इस साइड भी कर सकते हो, ये देखो पैसेंजर साइड को अगर चाहिए रखने के लिए हाथ, तो ये इस साइड टिल्ट कर सकता है, मतलब थोड़ा सा टिल्ट होता है ये, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। एंड यहाँ पर ये आपका चीज़ है। इसके बाद इसमें कुछ और फंक्शंस भी हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके के हैं। अब पीछे जो चार्ज होता है वो किस तरीके से होता है, यहाँ से एक वायरिंग जाती है, सिगरेट लाइटर की जो आपका पोर्ट होता है वो इसमें लग जाता है, ये पूरा इसके अंदर ही आपको पूरा सिस्टम देखने को मिलता है। ये सारी फिटिंग अभी करना बाकी है। एंड यहाँ पर देखो आप, ये नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये देखो ये जो वायरिंग है ये यहाँ तक जाती है, एंड इसमें पूरा ये पूरा USB वाला एरिया यहाँ पर फिट हो जाता है। एंड यहाँ पर एक और USB दिया हुआ है मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए, आपका मोबाइल कर लो आप चार्ज यहीं पर रख के, या फिर अपने को पैसेंजर साइड का, तो ये चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी, जो कि वुडन आर्मरेस्ट में नहीं आती है, ये चीज़ पर्सनल लेवल में मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। एंड इसके साथ दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो में एक एंड टू एंड मैंने अच्छा मतलब अपनी तरफ से नॉलेज देने की कोशिश करी है, आपको वो आप तक वो चीज़ पहुंची होगी। इसी के साथ दोस्तों वीडियो करना, लाइक वीडियो करना, शेयर कमेंट करना अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो। एंड अगर आपको कार मुस्कान पर आना है भोपाल के अंदर, तो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, आप ज़रूर से आ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा, टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल यूज़र नेम आपको नज़र आ जाएगा, एंड लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे एक और न्यू फ्रेश वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड अभी मैं जो हाथ रखा है मैंने वो देख लो, आर्मरेस्ट भी रखा है, तो बिल्कुल आप फील देख सकते हो। इसके साथ दोस्तों मिलेंगे एक और न्यू फ्रेश वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।